लाड़ी सीजन 12 के कंटेस्टेंट निशांत भट्ट के साथ की गई मस्ती। वह आखिरकार रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने किस तरीके से निशांत भट्ट को डराया है, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वह आपको बता दूँ कि बैक टू बैक खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में जो स्टंट्स हो रहे हैं वो बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, लेकिन हर एक एक स्टंट का और साथ ही साथ हर एक एक कंटेस्टेंट का यही कहना है कि कोई भी स्टंट को अबॉर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि हर एक एक कंटेस्टेंट हर एक स्टंट को करने के लिए रेडी है और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है। वेल, इस बीच खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का एक ही टैग है, खतरा कहीं से भी आएगा तो कहाँ जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूँ कि खतरों के लिए जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बेहद ही ज़्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि खतरा जो है बिना सोचे समझे कहीं से भी आ जाता है। इस बीच एक प्रोमो आउट हुआ है जिसमें कि निशांत भट्ट जो हैं वो छोटे छोटे निशांत भट्ट क्या सभी के सभी कंटेस्टेंट छोटे छोटे प्रोमो शूट करने में लगे हुए हैं, और इस दौरान निशांत भट्ट के साथ रोहित शेट्टी की पूरी टीम ने एक ऐसी मस्ती की है जिसे देखकर निशांत भट्ट काफ़ी ज़्यादा डर भी गए, शॉक भी हो गए और साथ ही साथ हंसने और मुस्कुराने भी लगे। पर हुआ ये था कि निशांत भट्ट पोज दे रहे थे अपने लेटेस्ट प्रोमो के लिए। उस दौरान निशांत भट्ट के साथ रोहित शेट्टी की पूरी टीम ने उनके पास आकर उनकी ड्रेसेस को ठीक करने के बहाने से उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने एक नकली सांप को रस्सी से उनके बैक में लटका दिया था। जिसके बाद जब वो शूट कर रहे थे तो उस दौरान जब अचानक से वो रस्सी निशांत भट्ट के सामने आ जाती है, नीचे लटकने रहती है, तो निशांत भट्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और इसी रिएक्शन को कैमरा कैप्चर करता है। पर निशांत भट्ट काफ़ी ज़्यादा फनी लगते हैं शॉक होते हुए, डरते हुए, और निशांत भट्ट कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, खतरा तो कहीं से भी आएगा, खतरा से कितना डरेंगे। वेल, ये देखना बेहद दिलचस्प हो रहा है कि धीरे धीरे जो प्रोमोज आउट हो रहे हैं वो फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप है कितने ज़्यादा एक्साइटेड खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के ऑन एयर होने के लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।